अगर आप इस गवाही को मानते हैं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि मैं आज भी वैसे ही पाक दामन और पाकीज़ा हूँ जैसे 7 साल से पहले थी। साबरा, ये पैसे खराब कर दो। इस गवाही और कसम को झुठलाने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है, क्या तुम में है? अपनी अदालतों में हजारों लोग रोज कुरान पे हाथ रख के झूठी कसमें खाते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं। आप जानती नहीं है क्या? वो नाश्ता लोग जो खुदा के कहर और गजब से नहीं डरते, हरीम जैसे लोग नहीं जिसकी तहज्जुद पे कभी कभी खजा होती थी, वो इतने बड़े गवाह को बीच में नहीं ला सकती। अब मैं तुम्हें बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगी, तुम जो भी फैसला करोगे सिर्फ अपनी मर्जी और खुशी से करोगे। मुझे शाम तक बता देना ताकि फिर मैं हरीम के रहने का कहीं और बंदोबस्त कर दूं। अभी मैं कैसे चैन से रह सकती हूँ तुमसे? तुम मोहब्बत करने वाला शौहर बेचैन और बेकरार हो तो मेरा दिल कैसे सुकून में रह सकता है? मैं कुछ समझी नहीं रमशा। अभी तुम्हें भी कह रही थी ना कि मैं बैठी बैठी बातें कर रही हूँ। हाँ अभी सच बताऊं तो मेरा दिल वाकई बहुत परेशान है। नबील आजकल जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको जो भी गुजर रही है, कुछ भी है, हरीम थी तो मेरी दोस्त थी ना। इस बात का है कि वो जाते जाते जिस तरह से मेरा इस्तेमाल करके गई, अभी मैं खुद को सपनी नजरों में मशकूक महसूस करने लगी हूँ। सही सब बातें जो सोचते सोचते आ रही थी और हॉस्पिटल से वापसी में चक्कर है, मैं बेहोश हो गई। रमशा तुम्हें ऐसी हालत में अपना ख्याल रखना चाहिए, बल्कि तुम एक काम करो, अरे साहब घर चलो, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। अरे नहीं नहीं आपी, मैं नबील को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। और हाँ आप प्लीज नबील से इस बारे में कोई जिक्र मत कीजिएगा, मैं बेहोश हुई थी। खुदा तुम दोनों की मोहब्बत को इसी तरह सलामत रखे। आमीन। नबील, नबील आ गए। सलाम अलैकुम। कब आए?
ख्वाब सब टूट गए, दिल से दिल दूर हुए फासले, दरमियां वक्त से मजबूर हुए, साथ था चलना जिन्हें पल में ही भूल गए, फिर लिए मेरा जीना क्या हुआ, तुझे हासिल ना किया, हुई खुद से लापता, किया जो भरोसा तो का ही मिला, उसका मेरे साथ हुआ है, मुझे सच्चाई बताने का हक तो है। हक? कौन सा हक? कुछ बाकी नहीं रहा, मुझे कुछ झूठ सच नहीं सुनना तुमसे, गेट आउट। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जिन्हें, आपको मेरी बात पे यकीन करना होगा। चुनती रही मैं तेरी जफा की किरचियां, ढूंढूं तुझे कहां तेरे बिना। मैं अल्लाह को हाजिर मैसे जान कर कहती हूँ कि मैं आज भी वैसे ही भागता हूँ अता खीजा हूँ जैसे सातों से पहले थी। गवाही बनाना मेरे अल्लाह कभी तुम्हें अपने फैसले पर पछताने या नादिन होने नहीं देगा। मेरा दिल बहुत ही बेसकून है, तुमने जो फैसला किया बस अल्लाह भी छोड़ सब ठीक। मैं जरा हबीब को बताऊं, प्लीज बस अपने नहीं दो चार लोग हैं, मैं तैयारी नहीं करना चाहता किसी किसी पर। इन हालात में नासिब भी नहीं रहे सब चीजें। तुझ में बसा था मेरा दिल खुशबू की तरह, मैगी नजर से तेरी बदन खिल सा गया, नहीं फादर जान इस तरह नहीं, इस तरह मैं इस घर में सर उठाकर वो मकाम कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी जो मुझे आपके पर्स खाने से मिलेगा। नहीं नहीं हरीन, तुम खुदा को गवाह बना के पीछे नहीं हट सकती। तुम्हारे बेगुनाह साबित होने तक तुम्हें सब्र और तहम्मुल से ये सब सहना होगा, बर्दाश्त की आखिरी हद तक। और तुम वादा कर चुकी हो बेटा, तो मेरी बात समझ रही हो ना? दिल की गली में जुनून था बढ़ता ही रहा, कहीं रह गए जान रहा, तुझको खबर नहीं तेरे बिना कहीं।
हेलो नबी से बात करवा मेरी। वो नहीं है। कहाँ है? आपको क्या बात करनी है मुझसे करें। हरीम मेरे पास है और मैं चाहती हूँ कि आप जो सलूक उसके साथ करना चाहती हैं करें। चाहे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें, चाहे अपने सर पर बिठा दें, मगर हमें इस बारे में कुछ नहीं जानना। वो हमारे लिए खत्म हो चुकी है। को बीच में लाकर तुमने वक्ती तौर पे तो खुद को बचा लिया है। मुझे तुम्हारी छोटी कसम पे बिल्कुल एतबार नहीं। चलो बहुत जल्द तुम्हारा ये झूठ खुल जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती उस समय तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुम चाहे सारी रात ये मासूमियत और पारसाई का ढोंग रचाती रहो, चाहे सारी जिंदगी ये ढोंग रचाओ, तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो। मेरी नसों से गिर चुकी हो, तुम गिर चुकी हो। तुझको पुकारा मेरी जान तूने ना सुना, चुनती रही मैं तेरी जफा की किरचियां। ढूंढूं तुझे कहां तेरे बिना, जहां सुना लगे जी ना सके तेरे बिना। तेरे लिए मेरा जीना क्या हुआ, तुझे हासिल ना किया हुई खुद से लापता। तो अब इस तरह हर रात मुझे अपनी खोई हुई इज्जत और मोहब्बत का मातम करना होगा। इस मातम की आग में रोज खुद को जलाना होगा, मिटाना होगा और फिर से जीना होगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं। खाला जान को धोखा हुआ है, मेरे बारे में उन्हें कोई शदीद गलत फहमी हुई है। मैं इतनी हौसले वाली नहीं हूँ, ना बर्दाश्त वाली। और सब्र होता मुझ में तो अभी तक अपनी माँ की चौखट से लिपट कर बैठी होती। इस तरह खुद बेहया बनकर अपने ससुराल में अपनी डोली लेकर ना आ जाती। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे बताना होगा जुनैद को। नहीं जी सकती मैं। रोज का जीना रोज का मरना मंजूर नहीं है मुझे। अगर मेरे लिए कोई सजा तजवीज करनी है तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे, खुद से दूर कर दे, लेकिन यूं मुझसे नफरत का इजहार ना करे। मुझे गालियां दे, धुतकारे, लेकिन ऐसे ना करें जुनैद, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम
इतनी शर्म और गैरत वाली होती तो ये सब कुछ हो चुकने के बाद कभी मेरे सामने ना आती। झूठी हो तुम तो यहां पे हम सबके ईमान का इम्तिहान लेने आई हो। झूठी हो तुम, अव्वल दर्जे की झूठी। लेकिन नहीं, तुम मजहब के नाम पे मेरी मां को तो इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती हो लेकिन मुझे नहीं। तुम जानती हो हरी, तुम मेरे लिए पहले जैसी हरी नहीं रही और ना ही कभी बन सकती हो। जस्ट गेट लॉस्ट। तुमने झूठी कसम खा के अपने लिए ये सजा खुद तजवीज की है। अब सारी जिंदगी तुम्हें इसी तरह जीना होगा और मरना होगा। यू डिजर्व दिस। कभी ना मुझे सिला क्या ये मिला। तुझ पे किया जो भरोसा आपका यही एहसान काफी है कि आपने मुझे अपने घर में और अपनी जिंदगी में जगह दी है। सिर्फ घर में, जिंदगी में ना तुम हो, तुम हो सकती हो, वो भी काफी है मेरे लिए। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि उसका नाम इस घर में मत लिया करें। हमारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहीं भी रहे, काले चोर के घर में रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नबील, आपको ये बात मुझसे इस अंदाज में कहने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए माँ है, मेरे लिए वो माँ से भी बढ़कर है। मैं जानती हूँ हरीम से वो बहुत अटैच थी। उनके दिल पे क्या गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ उस बात। रमशा अम्मी बहुत अजीब सी हो। वो ये समझती हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से। मैं माफ करने को तैयार हूं। क्या सोच रही? मैं जानती हूँ इस बात के बारे में और इस मामले में तो मैं किसी को भी नहीं सुनूंगी। हरीम पे उन्हें अंधा एतमाद था। नबील, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम आउटिंग के लिए आंटी को कहीं बाहर लेके चलें, आउट ऑफ सिटी। सोच तो मैं भी यही रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी जो हालत है, और दूसरा ये कि मैं जानता हूँ अम्मी कभी भी नहीं मानेगी इस बात की। खैर, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। खैर, तुम परेशान मत हो, मम्मी को देखकर आता हूँ। नबील, हरीम का कुछ पता चला कहाँ है?
अमशा तुम क्यों उसका जिक्र बार बार करके मेरे जख्मों पे नमक छिड़कती हो? I'm sorry. माफ तो मैं नहीं करूंगी उसे कभी भी. I'm sorry. नाश्ता तो करके जाए. अगर तुम चाहती हो कि मैं इस घर में वैसे ही जिंदगी गुजारूं जैसे पहले गुजारता था तो मेरे सामने मत आया करो. मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा आपके सामने ना आऊं. आपका यही एहसान काफी है कि आपने मुझे अपने घर में और अपनी जिंदगी में जगह दी है. सिर्फ घर में, सिर्फ घर में जिंदगी ना तुम हो, ना तुम हो सकती हो. अभी काफी है मेरे लिए. आप प्लीज नाश्ता कर ले. वैसे भी नाश्ता आपके मुलाजमा ने बनाया. मैं तो को दिखाना जो पहले से तुम्हारे धोखे में आ चुका है. बेहतर है कि मेरे सामने मत आया करो तुम. रस्सी जल गई, बल नहीं गया. अब अपनी बेटी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हूं. मैंने क्या किया? कहती हूं मैंने क्या किया? ये सब किया धरा तुम्हारा है. डस गई मेरे घर की खुशियों को, खा गई मेरी मासूम हरीम को. अगर इतनी ही मासूम थी तो वापस क्यों चली गई? पड़ी रहती इस दर पे. याद है ना जब नबील का प्रपोजल लेके आप मेरे घर पे आई थी, कैसे मेरे माँ की किरदार कशी की थी आपको? कितने नखरे दिखाए थे हम लोगों को. क्यों? क्योंकि मेरी माँ घर से भाग गई थी. और अब देखिए आपकी अपनी बेटी इस घर से. कसम ले ले माँ, आप कितनी भी मना करें मुझे, मैं आपकी खिदमत से नहीं मोड़ सकती. आंटी मेरी बात की यकीन करें ना करें, लेकिन आप मेरे लिए बहुत मोहतरम बहुत अजीम हैं. हमशा, ओ मेरे लिए कप चाय बनवा दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है. हाँ मैं फ्रेश होके आता हूँ. आती
हरीम, क्या सोच रही हो? तुम खुद को अंडर एस्टिमेट ना करो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हो। तुम खुदा को गवाह बना के इस रिश्ते में बंधी और इस घर में अपनी जगह बना पाई, ऐसी बात है? पता है बेटा, जब हम अपने खुदा की इबादत करते हैं तो गिन के तस्बीहें करते हैं और हिसाब रख के दवाफिल अदा करते हैं और फिर उनमें खाता बना लेते हैं कि हम तो अल्लाह के बड़े प्यारे हो गए, अब तो वो हमें हर मुसीबत से आराम से निकाल देगा। तुम भी जब इस मुसीबत में पड़ी होगी तो बहुत रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी कि या अल्लाह, मैं तो तेरी इतनी इबादत करने वाली बंदी हूं, 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ, तो फिर तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, है ना? ठीक कह रही हूँ, ऐसा ही कहा था मैंने उसको। हरी, अल्लाह बहुत गैरत वाला है, वो कभी किसी का जरा बराबर भी कर्ज नहीं रखता। अब देखो ना, अल्लाह ने किस तरह फौरन किसी भी तरह से ही इस घर में जुनेद की जिंदगी में तुम्हारा ठिकाना बना दिया। बेटा, अब तुमने खुदा की गवाही को छोटा नहीं पड़ने देना, साबित कदम रहना, जुनेद के दिल को फिर से जीत रहा है। और ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी वो गुस्से में है, जज्बात में है, तुम्हारे लिए उसकी मोहब्बत कम तो हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती, ये याद रखना। अब ठीक कहा खालिजान, मैं खुदा के भरोसे पर वाकई बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत कुछ। नबील, तुमने कुछ सुना? क्या? इधर आओ, इधर आके मेरे पास बैठो। क्या बात है? हाबी आपा ने आज मेरी माँ होने का हक अदा कर दिया। क्या मतलब? साका भाभी का फोन आया था, वो बता रही थी कि राबी आपा ने हरीम और जुनेद की रुखसती सादगी से करवा दी, हरीम उन्हीं के घर रह रही है। नबील, मेरी बच्ची की उजड़ी हुई जिंदगी बस गई, अल्लाह ताला ने हमारी इबादतों की लाज रख ली, हमारी सारी दुआएं सुन ली, मेरी बच्ची के सर पे इज्जत की चादर उड़ा दी। अम्मी, मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि उसका नाम इस घर में मत लिया करें, हमारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहीं भी रहे, काले चोर के घर में रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये क्या कह रहे हो नबी, वो तुम्हारी बहन है, मेरी बेटी है, इस घर की इज्जत है वो। इज्जत? कौन सी इज्जत? वही इज्जत जो वो अपने कदमों में रौंद कर किसी और के साथ। बस, अब एक और लफ्ज मुंह से मत निकालना, वैसे भी तुम तो ये जबान इस्तेमाल करोगे ना, अपनी बीवी की जबान,
बसवारी। मेरी बीवी? हाँ मेरी बीवी। और आपकी बेटी क्या है, क्या किया उसने हमारे साथ? आप जानती दुनिया उसे किस गाली से याद करती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा अपना बेटा ऐसी बातें कर रहा है। जब आपकी बेटी ने हरकत की तो मैं भी नहीं सोच सकता था कि वो ये हरकत करेगी। खबरदार, आज ऐसी खुशबू लगाने की कोशिश की तुमने तो कितनी बात का है, मेरे सामने मत आया करो। तुझ पे किया जो भरोसा तो काही मिला, समझा कभी ना मुझे इसला क्या ये मिला। जुनेद ने हरीन को अपना लिया तो बड़ी खुशी की बात है रमशा। तुम्हारे लिए ना खुशी की बात है, जाओ जाके मिठाई बांटो पूरे मोहल्ले में। कभी कभी तो तुम मुझे अपनी बहन कम दुश्मन ज्यादा लगती हो, तुम्हें हर उस बात से खुशी होती है जिससे मुझे दुख पहुंचता है। अल्लाह ना करे रमशा, ऐसी बात तो करती हो तुम, तो मेरा सब कुछ है। बस करो ये डायलॉग, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इनकी हकीकत। रमशा ऊपर से ये अमीर इज्जतदार खानदानी लोग होते ही बेशरम बेहया है और ताने आके हमें देते हैं। क्या हो गया तुम्हें, किसको कह रही हो ये सब? तुम वो जुनेद, उसको तुम अच्छा खासा खुददार और गैरतमंद इंसान समझती थी? वो लड़की जो पूरा दिन पूरी रात बाहर गुजार कर ये पूरी दुनिया उस पर थू-थू करी, उसने उसी को अपने घर में बसा लिया। तुम है इन शरीफ जादों पे, ये तो खुदा बेहतर जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। नबील में है कुछ गैरत के जरासीम, उसने तो उस कमीनी को घर में भी घुसने नहीं दिया। लेकिन उसकी खाला, वो उससे बड़ी कमीनी निकली, उसने तो घर में ही बसा लिया उसे। फायदा क्या हुआ? क्या मतलब, किस बात का फायदा? अरे यार कुछ नहीं, समझ में कुछ आता नहीं, सवाल आज जरूर करने होते हैं। सर में दर्द हो रहा है मेरे, सोना है। नबील का फोन आया तो कह देना मैं नहीं आ रही आज। कब चैन मिलेगा मुझे?
चाय बैठो। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? जुनेद ने कुछ कहा? नहीं खाला, वो इतने शोक रंग पहनने की आदत नहीं है मुझे, तो उलझन हो गई थी। आदत तो बदल जाने की यही होती है। सब्र का पहला इम्तिहान मिजाज के खिलाफ काम करना ही है। चूड़ियां पहन ले, खाली हाथ अच्छे लगे। जुनेद को बहुत पसंद है कांच की चूड़ियां। लेकिन खाला मैंने कभी कांच की चूड़ियां नहीं पहनी, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब अगर जुनेद का फिर से दिल जीतना है तो तुम्हें वो ही करना होगा जो उसे पसंद। खाला मैं तो ये भी नहीं जानती कि अब उन्हें क्या पसंद है, क्या वो सब कुछ पसंद है भी या नहीं जो पहले थे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तुम ऐसे गुस्सा और नाराजगी दिखा, तुमने इन बातों को दिल पे नहीं लेना और पीछे नहीं हटना। मैं सोच रही थी मैं नरगिस की तरफ हूँ, उसकी तबीयत अच्छी। क्या हुआ मम्मी को?